हेलो फ्रेंड्स, अभी इंडिया में वीडियो ब्लॉगिंग यानी कि वीलॉगिंग बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है, खासकर जियो के आ जाने से। और टिकटॉक ने तो इसमें चार चांद ही लगा दिया है। और यूट्यूब चैनल एक बहुत ही आसान तरीका है एक पैसिव इनकम सोर्स बनाने के लिए। अगर आपका भी सपना है कि आप भी यूट्यूब में एक चैनल बनाओ और आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप लैपटॉप लेके बैठो और लैपटॉप में लॉगिन करो कि आप वीडियोस अपलोड कर सको, तो आप सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल से ही यूट्यूब के चैनल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आप यूट्यूब का चैनल मोबाइल से ही कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे वीडियोस अपलोड कर सकते हो और थंबनेल्स वगैरह कैसे अपडेट कर सकते हो। तो आपको मोबाइल से यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी एक मोबाइल की और उसमें इंटरनेट कनेक्शन की और एक जीमेल अकाउंट की। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को आप देख सकते हो कि जीमेल में आप अपना नया अकाउंट कैसे बनाएं। तो ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगा। बाय सपोजिंग दैट यू हैव ए जीमेल अकाउंट एंड यू वांट टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल इन यूट्यूब, तो आप सबसे पहले इंटरनेट ऑन करें और अपने मोबाइल पे जाए और वहां से किसी भी ब्राउज़र, जैसे कि मैंने यहां पे क्रोम दिया है, उसको ओपन करें और उसमें youtube.com टाइप करके ओके प्रेस करें। जैसे ही आप ब्राउज़र में youtube.com ओपन करोगे और उसमें लॉगिन करोगे अपने जीमेल अकाउंट से, तो आपको कुछ इस तरह का एक वेब पेज दिखाई देगा। इसमें आप जो थ्री डॉट है उसके नीचे आप अपने यूज़र नेम का एक इनिशियल दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे वाई दिख रहा है। इसमें क्लिक करने के बाद तो इस तरह का एक ब्राउज़र का जो विंडो दिखाई देगा, उसमें आप नीचे देख सकते हैं सी ऑल चैनल्स और क्रिएट ए न्यू चैनल। तो बस आपके लिए यही ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू चैनल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देगा। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्लस साइन है और उसके सामने लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू चैनल। तो आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करें। इसके बाद आपको ये एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको ब्रांड अकाउंट नेम पूछा जाएगा, यानी कि आप अपने चैनल का क्या नाम रख सकते हो। आप अपने चैनल का नाम अपने नाम पर रख सकते हो या फिर एक किसी बिजनेस के नाम पर रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे चैनल का नाम रखा है बकवास बाजी। और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करें। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो ओपन होगा और आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक चैनल बन गया है और उसमें अभी कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो वहाँ पर नीचे दिखा रहा है नो सब्सक्राइबर। यहाँ पर आपको जैसा कि होम लिखा हुआ दिख रहा है, अगर वहाँ पर आप दोबारा से क्लिक करोगे या फिर जो राइट साइड में बी दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपको लेफ्ट साइड में एक पैनल ओपन होगा और वहाँ पे दिखाई देगा होम, माय चैनल, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, गेट यूट्यूब प्रीमियम etc। जैसे ही मैंने बी पे क्लिक किया था तो ये आपका जो डैशबोर्ड है यानी कि होम यूट्यूब का जो होम पेज है कैसा दिखेगा वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो बी है वहाँ पर आप अपना इमेज डाल सकते हो, अपना प्रोफाइल फ़ोटो डाल सकते हो या अपने चैनल का प्रोफाइल फ़ोटो डाल सकते हो और राइट साइड में चैनल आर्ट का भी इमेज आप बता। इसके बाद जो लेफ्ट साइड में दिख रहा था होम, उसको क्लिक करने पे आप चैनल डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन ओपन होगा और उसमें आप अपने चैनल के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है अ चैनल फॉर कैजुअल टॉक। उसके बाद चैनल डिस्क्रिप्शन में नीचे डन पे क्लिक करो तो आपको ऑप्शन पूछा जाएगा, योर चैनल आइकन इज़ लिंक टू ए ब्रांड अकाउंट, चेंज मे टेक ए फ्यू मिनट्स टू शो ऑन योर चैनल। मतलब कि अभी आपने डन किया तो ये कुछ मिनट्स तक ले सकता है ये रिफ्लेक्ट होने के लिए। और जहाँ पे आपका बी लिखा हुआ था यानी कि आपको प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करने के लिए ऑप्शन देता है, वहाँ क्लिक करने के बाद अपलोड का ऑप्शन मांगेगा। अपलोड में क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप कैमरा से या तो फ़ोटो क्लिक करके ले सकते हो या फाइल्स में क्लिक करके आप अपने मोबाइल से ही एक वीडियो इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अपने जो मोबाइल पर जो इमेज था उसको मैंने सेलेक्ट किया है और उसके बाद ओके बोला है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि बकवास बाजी चैनल के ऊपर वो प्रोफाइल फ़ोटो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बी पे दोबारा से क्लिक किया है और यहाँ पे YouTube और फ़ोटोज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने YouTube में ओपन किया है और यहाँ पे आपको अपना होम पेज दिखाई देगा। अब ऑप्शन है कि मुझे कुछ वीडियोज़ अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर राइट साइड में आपको एक सर्च के लेफ्ट साइड में एक कैमकॉर्डर का निशान दिखाई दे रहा होगा या आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का विंडो दिखाई देगा आपको, रिकॉर्ड या गो लाइव या नीचे जो आपके मोबाइल में वीडियोस होंगे उसके ऑप्शन देंगे।
दिखाई देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो सेकंड में 2020 लिखा हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर 2020, मैंने उसको सिलेक्ट किया और उसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा उसका प्रीव्यू। यहाँ पे आप उसको जो राइट टॉप में एक ट्रायंगल जैसा शेप है उसको क्लिक किया और वो अपलोड हो जाएगा, और ऊपर आपको टाइटल के बारे में या फिर डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछेगा। यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर 2020 इज़ द टाइटल ऑफ योर वीडियो एंड नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने हैप्पी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। और यहाँ पे प्राइवेसी में पब्लिक दिखाई देगा जो कि आपको रखना पड़ेगा ताकि आप वीडियो जो पोस्ट करो वो ओपन रहे टू ऑल पब्लिक एंड नॉट प्राइवेट। नेक्स्ट जब आप ओके बोल दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे दिखाई देगा प्रिपेयरिंग। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0% एंड इट विल कम्प्लीट टू 100%। आफ्टर प्रिपेयरिंग इट विल शो प्रोसेसिंग हैज स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट इट विल कम्प्लीट द प्रोसेसिंग। उसके बाद दिखाएगा कि दिस वीडियो इज रेडी टू बी वॉच्ड, मतलब कि आपने सक्सेसफुली वीडियो अपलोड कर दिया है और इसको लोगों के द्वारा देखा जा सकता है। और इस तरह से आप उस वीडियो को एडिट भी कर सकते हो, सेव टू वॉच लेटर, मतलब कि एक आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर सकते हो, सेव टू प्लेलिस्ट, आप क्रिएट कर सकते हो कोई प्लेलिस्ट, डिलीट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो और डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, ये आपको एक लिंक देगा। तो ये सारे डिटेल्स अगर आप चाहते हो कि सेव टू वॉच लेटर या फिर हाउ टू क्रिएट ए प्लेलिस्ट इन यूट्यूब, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।